We all know very well aware, you know, what is Bundelkhand about, where the status of women is really at the bottommost level. And for us, it was literally taking up the cudgels against this double-edged sword of poverty and injustice against women. Women have a right, like any other human being, to have a good life, to be empowered, to be able to have some control over their lives. But empowerment is a complex issue. The bottom line is, can I decide in my own interest what I want to do? Chori karna paap hai, goli mat chalao. पढ़े लिखे नहीं हैं तो पैसे के बारे में हमें पता भी नहीं है भाई कोई हमें क्या दे रहा है। हमें पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है जिससे हमारा आगे का भविष्य हमारे बच्चे जैसे हैं अपने बच्चों को पढ़ा सकें खुद में अपने आप निर्भर हो सकें। फायदा तो यही बहुत कुछ है कि जब तो हम पेंसिल भी हाथ में नहीं ले पाते थे, देखो पहले तो हम अंगूठाई लगाते थे जो भी कुछ करते थे, अब जो भी कुछ करेंगे तो अपने साइन कर पाएंगे उस पर। पहले घर ही में रहते थे, रोटी पकाते थे, अंडा बनाते थे, भैंस गाय चराते लगाते और क्या। यहाँ काम करने से बहुत फायदा है, पेपर का सामान बनाना सीखा, सब लोगों से बात करना सीखा, बैंक में पैसा भी जमा करने लगे। पैसा कमाए जभी तो कुछ आगे चल के कर सकते अपन, जो संचालक हो वो पैसा कमाए जभी तो घर चलेगा। जो नहीं था वो है आज के गाँव में, जो पहले नहीं सोचते थे कि इतना हो जाएगा वो इतना हो गया, सब खा रहा है पी रहा है अपने आराम से रह रहे हैं। तो जब अपने यहाँ गौशाला खुलना है तो अपने लोगों ने आवेदन लगाए, प्रस्ताव हमने मुख्यमंत्री को दिया, हमें मंजूर हुई गौशाला। यहाँ कब्जा करे तो उन लोगों ने पैसा पटक दिया, सो पटवारी को दे दिया और नहीं तो हम जितनी महिला हती किसी ने पत्थर गाड़े किसी ने मिट्टी डारी जितनी सब महिला ने, और जमीन 5-6 बजे शाम के ना पवाई। तो या तो हम क्या देते हैं कि हमारी गाँव साला कोई नहीं घुसता, हम तारो डाल देंगे, हम डंडन मार मार के हम आइए जमीन अपनी अपना हक लगता है। फिर हमारा जी एक बोर हुआ है यहाँ पे, फिर उसी बोर से हमने थोड़ा थोड़ा खेती करने लगे, फिर बोर हुआ, फिर आज इतनी आगे आगे अभी तक बढ़ती जा रही और बढ़ती जाए। जब से हमने ये काम सीखा है जब से हम बहुत कुछ हमारा बदलाव हो गया है। घर पे रहते थे तो कहीं घूम नहीं फिर पाते थे, तो रोज आते हैं और जाते हैं, अच्छा लगता है। गांव में बहनें बेटी पूछती हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो हम कहते हैं खम्भे बनाएंगे, जाली बनाएंगे, टेल्स बनाएंगे, तो सब लोग हंसती हैं और कहने लगती हैं भैया तुम तो सीखेंगे हमको भी सिखाओ, तो हम उनसे बोलते हैं कि हम तुम्हें भी सिखाएंगे। पहले तो एक सेट था तो उसमें मैं 2,000 से 2,500 के लगभग मैं कमा लेती थी महीने पे, तो मैंने 3 बनवा लिया, 8,000 से 9,000 के बीच में मिल जाते हैं। तो बाइंगो जे अपनो धंधो खुद सोच के करेंगे तो बढ़ेंगे। सबसे अच्छी बात ये थी कि इस गांव में ये देखने को मिला कि शुरुआत से ही महिलाओं की भूमिका बहुत अग्रणी रही, घरों के निर्माण की प्रक्रिया में भी इनका बहुत अहम रोल रहा है, चाहे वो निर्माण कार्य की बात हो या उसके प्रबंधन की बात हो। गांव में जाती हूँ तो कहती हैं दीदी हम लोग कुछ सिखा दो कि हम लोग कुछ काम करें, बहुत परेशान औरतें हैं गांव में बेचारी बैठी रहती, कुछ काम रहता नहीं हम लोग के पास, तो मैं सोचती हूँ उनको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएं कि वो मार्केट में सेलिंग करें और बना घर में बनाए मार्केट में सेलिंग करें, तो 2 पैसा मिलेगा, कितनी खुशी होगी, उनको खुशी होगी तो हमको भी खुशी होगी। और गाँव की महिलाओं के लिए भी ये संभव नहीं है कि शहर में आके वो सीखें इतना इन्वेस्ट कर पाए, तो गांव में भी लड़कियों को ये ज्वेलरी और पार्लर का कराया, तो काफ़ी महिलाएं हैं जिन्होंने ये कोर्स किया है और आज वो खुद अपने पैरों पर डिपेंड हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से पार्लर चला रही हैं। पहले ये लोग बस काम करती थी, मजदूरी करती थी और जो पैसा पाती थी बहुत कम मिलता था, अब ये कि घर कैसे चले, तो फिर लोगों का SHG बना, ग्रुप बना और उसमें वो थोड़ा थोड़ा पैसा अपना इकट्ठा करती थी, उस पैसे को इकट्ठा करके और मतलब ज़्यादा इकट्ठा किया, अकाउंट खोल लिया, अब ये पैसा इनका बैंक में जाने लगा, फिर ये बच्चे की फीस है, घर के खर्चे हैं, ये सब चीज़ में अपना पैसा ये लोग इस्तेमाल में लाने लगे। एक लाठी होती तो जल्दी टूट जाती है, 4 लाठी होती तो नहीं थोड़ी मजबूत होती है, तो ये है समूह सब सीखा। मैंने 2008 में रेडियो में आए और तब हम
कुछ नहीं जानते थे रेडियो के बारे में और साथ ही साथ बहुत डरते थे, बाहर निकलते भी नहीं थे। लेकिन हमने अपने घर वालों को मनाया और हम जो है प्रोग्राम देते हैं और भी जो काम होते हैं ऑफिस के वो पूरे करते हैं। नमस्कार, हमारी सभी सखियन को सखी सहेली कार्यक्रम में स्वागत है। हम अपना पैसा भी कर लेते हैं और साथ ही साथ हमें कहीं जाना है या आना है तो हम सक्षम है और हम किसी से भी बात कर सकते हैं, हमें डर नहीं लगता है। साल बाद पहले हमारे यहाँ सूखा गई थी, महिलाएं बहुत दूर पानी भरने जाती थी, तो हम लोगों ने कहा पानी अपन बर्बाद करते हैं, तो अपन पोछा झाड़ू का दाल चावल का कपड़े धोते हैं, तो जी पानी अपन जहाँ पर अपन नहाते हैं नहाने का पानी का तो वहीं पर अपन किचन गार्डन लगा लो तो वो पानी अपन वहीं पर डाल दो, क्यों अपन बाहर व्यस्त करेंगे। तो उन लोगों ने मतलब पहले तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने खुद अपने घर पर लगाया किचन गार्डन, तो सब लोगों को दिखाया कि देखो ऐसे लगाने पड़ता, अपने घर से ही खाए तो अपने वो 10 रुपये बच रहे हैं, यानी 30 दिन में अपने 300 रुपये बच रहे हैं। तो ये टोटल पूरा बेसलैंड था जहाँ पे पानी नहीं है, पत्थर है, पूरा ज़मीन ही इनका बेसलैंड ज़मीन थी और ये लोग पूरा माइग्रेट कर जाती थी। और जब हम 2 किलो को नहीं कर पा रहे तो का बच्चन को पैर आता है, का हम कपड़ा लत्ता पहला। हम लोगों ने ये सब्जी प्रोडक्शन इंटर क्रॉपिंग के बारे में बताया तो उससे छोटी छोटी इनको बीच में आमदनी होने लगी, इनकम बढ़ने लगी, तब इनका इंटरेस्ट बढ़ा पेड़ लगाने में। फिर जाएंगे लकड़ी लेके के जो करें, अब तो हम जो ही कर रहे हैं। ग्राम सभा शुरू हुई तो हमने कही के सर मतलब सरपंच जी से के जो EPL वाले हैं इनको भी मतलब अनाज मिलना चाहिए, उन्हें ज़रूरत है अनाज की तो मतलब मिलना ही चाहिए, इस पर लिखा है। बोले नहीं नहीं मिल सकता है, बोले तुम चाहो तो तुम ले सकती हो, हम कि हम ही क्यों चाहें, जैसे हमें नहीं है ज़रूरत, हमसे जो गरीब लोग हैं उन्हें ज़रूरत है। तो बोले कि नहीं वो नहीं हो सकता है, हम क्यों नहीं तो हम आपकी कंप्लेन करेंगे। सो बोले कि हाँ कंप्लेन मन करना, मतलब हम लोग देने के लिए तैयार हैं। जो औरत घर से नहीं निकलती थी, पर्दा करती थी, अब वो आगे आगे है और आदमी उसका पीछे पीछे चल रहा है। तो ये हमारा जो 25 साल का उस एरिया में काम है, इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है और ये मिलता है कि जहाँ जहाँ महिलाओं को आगे करोगे वहाँ वहाँ उन्नति जल्दी होगी।